M.Sc. Plant Biotechnology Multiple Choice Questions 2016 Part 1. Question 1. Plant of medicinal value belongs to the family Acanthaceae is. Acanthaceae family ka wo member jo medicinal plant hai wo hai Adhota vasica. Option 2. Question 2. The subviral entities devoid of their own DNA or RNA are called. Yani ki subviral, yani ki virus se chote wo particles jinme apna DNA RNA nahi hote, unko virion ya prion kehte hain. To correct answer hai option 3. Question 3. Starch is a polymer of. Starch jo hai wo glucose ka polymer hai jisme glucose aapas mein अल्फा 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ा होता है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 क्वेश्चन 4 हेटरोट्राइकस फॉर्म इज हेटरोट्राइकस फॉर्म जो है वो फ्रिस्चेला में पाया जाता है तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 5 प्लाज्मिड्स आर ग्रुप ऑफ जीन्स फाउंड इन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्टेट एंड आर कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मिड्स जो हैं वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का मतलब कि वो जीनोमिक डीएनए से अलग होंगे और वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे और वो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के बने होते हैं तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 6 एक्टोपैरासाइट्स एक्टोपैरासाइट वो होता है जो सरफेस पे होता है वो प्लांट बॉडी एनिमल बॉडी के अंदर नहीं जाता तो इसका करेक्ट आंसर है इरिसिफी ऑप्शन 3 Question 7. What is root cause of sickle cell anemia? Sickle cell anemia kyon hota hai? Sickle cell anemia ka jo hone ka reason hai wo ye hai ki hemoglobin ki jo chain hai usme amino acid ka substitution hota hai. To glutamic acid ki jagah valine aa jata hai jis wajah se ye bimari hoti hai. To correct answer hai option 1. 8. DNA can be read as a code for producing chains of DNA जो है वो code करता है protein को तो इसका correct answer होगा chains of amino acids option 3 9 spirulina maxima is the richest source of protein of plant kingdom which of the following statement is not correct with regard to spirulina यानि कि इसमें से कौन सा option गलत है पहला इट कंटेन 65% प्रोटीन एंड 3% फाइबर ये ऑप्शन सही है दूसरा इट ग्रोज इन एसिडिक हैबिटेट ये गलत है तीसरा इट कंटेन्स 19% कार्बोहाइड्रेट्स एंड 4% फैट ये भी ऑप्शन सही है चौथा एट पीएच 11 इट ग्रोज ऑलमोस्ट एज मोनोकल्चर ये भी सही है तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 10 सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहला Vucaria possesses multi-flagellate zoospore called syn zoospores. ये भी option सही है. तीसरा Chlamydomonas nivalis causes red snow. ये भी सही है. तीसरा red coloration of red sea is due to blue-green alga Trichodesmium erythrium. ये भी सही है. चौथा Batrachos permum is a marine alga. ये गलत है क्योंकि वो एक fresh water alga है. 11. Columella is absent in कॉलुमेला जो है वो रिक्सिया में एब्सेंट होता है बाकी तीनों में फ्यूनेरिया में पोगोनेटम में और एंड्रिया में ही वो प्रेजेंट होता है 12 होमोस्पोरस टेरिडोफाइटस होमोस्पोरस टेरिडोफाइट आपका इक्विसिटम है जिसमें जो स्पोर्स हैं वो एक जैसे होते हैं 13 बेविस्टीन इज बेविस्टीन जो है वो एक फंगीसाइड है ऑप्शन 2 14 ट्रांसक्रिप्शन इज पहला exchange of genetic information on between the members of chromosome pair ये गलत है दूसरा another word for binary fission ये भी गलत है तीसरा entering of DNA sequence into computer analysis ये भी गलत है चौथा the process of copying genetic information from DNA to messenger RNA ये सही है option 4 correct answer है 15 Macrandus and Nanandrus type of anthidia are produced in ये बनते हैं इडोगोनियम में तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 16 इन टेस्ट क्रॉस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज यूज्ड टेस्ट क्रॉस में F1 इंडिविजुअल को होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराया जाता है तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 होमोजाइगस रिसेसिव 17 चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट
पहला है डीएनए रेप्लिकेशन इज़ यूनिडायरेक्शनल, ये गलत है क्योंकि वो बायडायरेक्शनल होती है। दूसरा डीएनए रेप्लिकेशन बिगेंस एट स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ये भी सही है जो स्टार्ट कोडॉन होता है। तीसरा सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम पॉलीमरेज, ये भी सही है। तीसरा चौथा ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स आर जॉइंड बाय डीएनए लाइगेज, ये भी सही है। 18 नटमेग ऑफ कॉमर्स विच इज एक्सट्रीमली यूज्ड एज अ स्पाइस बिलोंग टू द जीनस, नटमेग जो है वो मिरिस्टिका को बिलोंग करता है या मिरिस्टेसी फैमिली, ऑप्शन 2। 19 माइकोराइजा हेल्प इन, माइकोराइजा जो है वो फॉस्फेट सोल्युबलाइजेशन में मदद करता है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। 20 लेकानोरा इज, लेकानोरा जो है वो एक लाइकन है, ऑप्शन 3। 21 द सेलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ड्यू टू, सेलेक्टिव परमेबिलिटी जो होती है वो लिपिड की वजह से होती है क्योंकि लिपिड सब मॉलिक्यूल्स को पास होने नहीं देते। उसके बाद ये परमेबिलिटी बढ़ती है प्रोटीन्स की वजह से, प्रोटीन जो हैं वो चैनल फॉर्मर्स होते हैं और वो उन चैनल्स के थ्रू मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, तो जो मेन सेलेक्टिव परमेबिलिटी की बात आती है वो लिपिड की वजह से होती है, ऑप्शन 1। 22 देर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ एफ फैक्टर व्हेन देर इज अ कॉन्जुगेशन बिटवीन द फॉलोइंग रिकॉम्बिनेंट फॉर्मेशन, यानी कि कौन से कॉन्जुगेशन में एफ फैक्टर का यूटिलाइजेशन नहीं होता, तो इसमें आपका जहां पर एफ आएगा HFR या F प्लस आएगा वहाँ पे F फैक्टर इन्वॉल्व होगा, ऑप्शन 3 F माइनस में ये नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। 23 जीन्स रिस्पॉन्सिबल, गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट आर, ग्रीन हाउस इफेक्ट के जो मेन गैसेस हैं वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और कुछ हद तक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। 24 स्पोरोपोलोनिन कॉन्स्टिट्यूट्स द, जो स्पोरोपोलोनिन है वो पोलन ग्रेन की एक्साइन जो आउटर लेयर है वो बनाती है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। 25 वनीला यील्डिंग प्लांट बिलोंग्स टू द फैमिली, ये जो है ये ऑर्किडेसी फैमिली का मेंबर है, मतलब जो वनीला जैसे मिलता है वो ऑर्किड है, ऑप्शन 3। 26 एंटी कैंसर कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम, टैक्सोल जो है वो एक एंटी कैंसर कंपाउंड है जो मिलता है टैक्सस से, ऑप्शन 4। 27 प्रिकर्सर ऑफ इंडोलेस्टिक एसिड जो है वो एक ऑक्सिन है, इसका जो प्रिकर्सर है यानी कि स्टार्टिंग प्रोडक्ट जिससे वो बनता है वो है ट्रिप्टोफान, ऑप्शन 1। 28 इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज, प्लाज्मोडियम की जो इन्फेक्टिव स्टेज है जिसमें वो इन्फेक्शन कॉज करता है वो स्पोरोजॉइट है, ऑप्शन 3। 29 विच हिस्टोन इज एब्सेंट इन न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम में आपका H2A, H2B, H3 और H4 प्रेजेंट होते हैं, H1 नहीं होता, H1 न्यूक्लियोसोम के बाहर होता है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। 30 व्हाट इज यूज एज अ सबस्ट्रेट फॉर बियर प्रोडक्शन, बियर के प्रोडक्शन में सीरियल्स यूज होते हैं जैसे आपका जौ, मेज, ये सब, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। 31 डायहाइड्रोयूरिडीन इज प्रेजेंट इन, डायहाइड्रोयूरिडीन एक मॉडिफाइड बेस है जो कि ट्रांसफर आरएनए में पाई जाती है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। 32 बार आई इन ड्रोसोफिला इज रिजल्ट ऑफ, ड्रोसोफिला में जो बार आई स्ट्रक्चर बनता है वो ड्यूप्लीकेशन ऑफ 16A रीजन से बनता है, 16A एक पार्ट है क्रोमोसोम में उसके ड्यूप्लीकेशन से बनता है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। 33 फॉसल प्लांट इज, फॉसल प्लांट इसमें राइनिया है, ऑप्शन 2। 34 अजोल्स आर, अजोल जो हैं वो एक केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि एंटी फंगल ड्रग की तरह यूज होते हैं, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। 35 नॉन हेट्रोसिस्टस ब्लू ग्रीन एल्गा इज, यानी कि वो ब्लू ग्रीन एल्गा जिसमें हेट्रोसिस नहीं पाया जाता तो वो है माइक्रोसिस्टिस, ऑप्शन 2। 36 फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, यानी कि जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो कि डीएनए में जीन्स के थ्रू प्रेजेंट है उसका फिजिकल एक्सप्रेशन जो है उससे कैरेक्टर आता है, उसको कहते हैं फिनोटाइप जो कि हमको नजर आता है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। 37 पॉलीजेनेटिक ट्रेट्स आर दोज डिटरमाइंड बाय,
पॉलीजेनेटिक ट्रेट्स या पॉलीजेनिक ट्रेट्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जिनको एक से ज़्यादा जीन कंट्रोल करती हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू, मोर देन वन जीन। 38. वायरस मीडिएटेड ट्रांसफर ऑफ सेलुलर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बाय मीन्स ऑफ वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड। तो वायरस के थ्रू बैक्टीरिया में जो रिकॉम्बिनेशन होता है उसको ट्रांसडक्शन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री। 39. इन F2 जनरेशन द फिनोटिपिक रेशियो 9:7 इज द रिजल्ट ऑफ। तो 9:7 रेशियो जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री जीन से आता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन। 40. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पॉलीटीन क्रोमोजोम। यानी कि पॉलीटीन क्रोमोजोम क्यों बनते हैं? पॉलीटीन क्रोमोजोम तब बनते हैं जब DNA रेप्लिकेशन बार बार होता जाए और जो DNA स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेट ना हो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री, रिपीटेड रेप्लिकेशन विदाउट सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स। 41. पिटाइट इन ईस्ट इज लिंक्ड विद। जो पिटाइट फॉर्म होता है ईस्ट, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये जो स्ट्रेन्स हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया में एरर्स के कारण होते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन।